अंबेडकर नगर। विश्व हिंदू परिषद द्वारा टांडा में निशुल्क आई कैंप में 3 दर्जन से अधिक लोगों का होगा ऑपरेशन। टांडा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अंबेडकर नगर की तरफ से छज्जापुर स्थित झारखंड महादेव मंदिर में अयोध्या आई हॉस्पिटल के कुशल डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क आँखों का इलाज एवं ऑपरेशन के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व भाजपा विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता ने कहा कि आज हमारे जन्मदिन के अवसर पर शिविर लगाया गया है, जिसका एक हफ्ते से प्रचार प्रसार चल रहा था, जो कि 9 वर्ष 2023 का शिविर लगाया गया, जहां 92 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 18 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन चयन हुआ है। जो मरीज वास्तव में पात्र हैं, जिन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता है, उन्हें डॉक्टर अपने साथ अयोध्या आई हॉस्पिटल ले जाएंगे और निःशुल्क ऑपरेशन के बाद वापस यहाँ पर छोड़ जाएंगे। उन्होंने कहा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बारे में लोगों ने अभी तक मिथ्या प्रचार किया था कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सिर्फ हिंदू मुसलमान करता है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बड़े पैमाने पर सेवा कार्य भी करता है, जिसका आज स्पष्ट स्वरूप टांडा के लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा कार्यक्रम और क्या है पूरा आयोजन? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अम्बेडकर नगर की तरफ से निःशुल्क आँखों के ऑपरेशन का कैंप टांडा के झारखंड महादेव मंदिर में किया गया है। इसका प्रचार प्रसार लगातार सप्ताह भर से चल रहा था। लगभग 92 लोगों का रजिस्ट्रेशन इस कैंप में हुआ, जिसमें मुझे लगता है कि 18 लोगों को आप मोतियाबिंद निकला है। सभी लोगों का जांच हुआ, खून का जांच और ब्लड प्रेशर की जांच। जो वास्तव में पात्र हैं, जिनकी आज आवश्यकता है ऑपरेशन की, उनको डॉक्टर अपने साथ अयोध्या आई हॉस्पिटल ले जाएंगे और उनका ऑपरेशन करके फिर कल यहीं छोड़ जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बारे में अभी तक लोगों में एक मिथ्या प्रचार हुआ करता था कि ये केवल संघर्ष करती है, हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बड़े पैमाने पर सेवा का कार्य भी करती है, जिसका आज स्पष्ट स्वरूप टांडा के लोगों ने देखा। इसके पहले भी कई ऐसे कैंपों का आयोजन, अभी बंदीपुर में कैंप का आयोजन किया था, उसमें भी सैकड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लगभग 52 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। तो ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संघर्ष के साथ हिंदुओं के लिए संघर्ष तो करती ही करती है, लेकिन सेवा का कार्य भी करती है, जिसको आप जाएंगे वन अंचलों क्षेत्रों में तो वहाँ पर एकल विद्यालय के माध्यम से शिक्षा का भी बड़ा बीड़ा इन्होंने उठाया है, और उस शिक्षा के माध्यम से राम जी के कथा और कृष्ण जी के कथा का प्रशिक्षण भी गांव के लोगों को दिया जाता है, ताकि वो प्रचार प्रसार अपने धर्म का करें। और आज इस अवसर पर जो बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था संभाली उनको भी, और जो दूर दराज से चलकर मोतियाबिंद के ऑपरेशन हेतु लोग आए, उनका भी मैं आज अपने जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आगे भी इस तरीके के आयोजन होता रहेगा, लगातार होता रहा है। बंदीपुर में हुआ, टांडा में हुआ, आगे भी 15 दिन बाद कार्यक्रम तय होंगे, उसका प्रचार प्रसार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।